हर एक धर्म के अनुसार नई साल तो हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं और उसको अलग अलग महीनों में उसका स्वागत भी किया जाता है। जैसे इंग्लिश न्यू ईयर अभी 1 जनवरी से चालू हुई थी और हम सब ने उसका अच्छे से स्वागत भी किया था, वैसे ही हिंदू धर्म के अनुसार एक नई साल स्टार्ट होती है वो है मार्च और अप्रैल के महीने में, यानी कि चैत्र माह के महीने में एकम को स्टार्ट होती है। जैसे उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे गणगौर के नाम से जाना जाता है, यूपी साइड में भी अगर मैं सही बता रही हूँ तो वहाँ पे गणगौर के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है उस फेस्टिवल को, और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पे जाना जाता है गुड़ी पाड़वा के नाम से। वैसे ही चाइनीज़ न्यू ईयर जो स्टार्ट होती है चाइनीज़ लोगों के लिए चाइनीज़ धर्म में, वो आती है जनवरी एंड में और फरवरी के माह में कभी भी इनकी लागू हो जाती है। और यहाँ पे भी लोग तिथि को फॉलो करते हैं, जैसे मोस्टली अमावस्या के टाइम पे और एकम के टाइम पे इनकी तिथि स्टार्ट होती है, उसी दिन ये लोग नई साल का स्वागत करते हैं। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो ब्लॉग है चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में है, तो मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि जो चाइनीज़ लोग हैं, चाइनीज़ का जो कल्चर है, उन लोगों का न्यू ईयर कब आता है और इस न्यू ईयर का महत्व क्या है, वो इसी ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। पे अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में विजिट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे सिंगापुर के मोस्ट ऑफ द शॉपिंग सेंटर में चाइनीज न्यू ईयर के लिए डेकोरेशन लगाया हुआ रहता है और थीम सजाई हुई रहती है, और प्लस जो हैम्पर रहते हैं वो बहुत सारे आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएंगे। देखने में ऐसे लगेगा कि अभी राखी का महोत्सव है, लेकिन ये सब है चाइनीज न्यू ईयर के लिए थीम और उनके लिए डेकोरेशन। तो हर एक दुकानों में यहाँ पे आप देखोगे कि सब जगह पे यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर के लिए पूरा डेकोरेशन सजाई हुई रहती है। नए साल की पूर्व संध्या पर पारंपरिक रूप से लोग पूरी रात जागने के लिए मोमबत्ती या तेल के दीपक जलाते हैं, इसे शो सुई के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह वो सभी बुरी विपदाओं को दूर भगाते हैं और नए साल की शुभकामनाओं की आशा करते हैं। चाइनीज न्यू ईयर पे अगर आप मार्केट में विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा हर एक शॉप पे मोस्टली रेड कलर, क्योंकि रेड कलर चाइनीज लोग चाइनीज धर्म के अनुसार मानते हैं कि इस कलर ऑफ लक, इसलिए यहाँ पे सारा डेकोरेशन वो सब कुछ आपको रेड कलर में मिलेगा। अगर आप चाइनीज़ कल्चर को करीब से जानना चाहते हो या फिर उनका सेलिब्रेशन देखना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जनवरी के एंड में या फिर फरवरी माह में चाइनीज़ कंट्रीज़ में आप ज़रूर विजिट कीजिए। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हिंदू धर्म में जो दिवाली सेलिब्रेट की जाती है उस टाइम पे बहुत सारे फॉरेनर आपको जयपुर की दिवाली देखने के लिए मिलेंगे या फिर इंडिया के अलग अलग भागों में बहुत सारे आपको फॉरेनर मिल जाएंगे ताकि हिंदू धर्म को अच्छे से करीब से देख सके। और जैसे दिवाली को हिंदू धर्म में लाइट लगा के दिए लगा के, वैसे ही चाइनीज़ न्यू ईयर पे भी चाइनीज़ लोग अपने घरों को सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, दिए लगाते हैं और सब मिलजुल के न्यू ईयर को सेलिब्रेट। न्यू ईयर पर सब लोग एक दूसरे के घर पर जाके मिलते हैं, सब कुछ हिंदू धर्म की तरह ही चाइनीज न्यू ईयर पे भी किया जाता है। चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। उनमें से एक कहानी के अनुसार एक समय पर भूतों की दुनिया थी, उसमें एक विशाल आड़ू के पेड़ वाला एक पहाड़ था जो विशाल परिदृश्य में फैला हुआ था। इस पेड़ के शीर्ष पर एक सुनहरा मुर्गा रहता था। हर सुबह जब मुर्गा बाग देता था तो सभी भूत जल्दी से अपनी रात की सैर से लौट आते थे। भूतों की दुनिया के प्रवेश द्वार पर द्वार के दोनों ओर दो द्वार देवता बैठे थे। यदि लौटने वाले भूत को एक रात पहले नुकसान या बुराई करते पाया गया तो उसे द्वार देवताओं द्वारा दंडित किया जाता था। यह उन दोहों का मूल है जो लोग वस्त्र महोत्सव के दौरान प्रदर्शित करते हैं। माना जाता है कि उनमें से बुराइयों और दुर्भाग्यों को रोकने की शक्ति है।
चाइनीज सब्सक्राइबर, हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर टू एवरीवन। ये मंदिर चाइना टाउन के ही एक भाग में स्थित है, जिसका नाम है बुद्ध टूथ अवशेष मंदिर। ये बुद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर की जो कला है और अंदर का जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो बुद्ध इतिहास को व्यक्त करता है। और यहाँ की जो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पुरानी इनकी संस्कृति और हजारों साल पुरानी इनकी कहानियों को व्यक्त करता है। इस मंदिर का निर्माण 2007 में किया गया और इस मंदिर का नाम बौद्धों द्वारा बुद्ध के बाई के नाइन दांत के नाम पर रखा गया है, जिसे भारत के कुशीनगर में उनके अंतिम संस्कार की चिता से प्राप्त किया गया। और इस मंदिर के मैदान में उसका प्रदर्शित किया हुआ है, जिसे आम जनता भी जाके देख सकती है। बुद्ध दांत अवशेष एक विशाल स्तूप में रखा गया है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि स्तूप किसको बोलते हैं। जो मैंने स्क्रीन पे फोटो दिखाया है उसको स्तूप बोलते हैं। स्तूप एक संस्कृत वर्ड है, इज ए इम्पोर्टेंट फ्रॉम द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई ध्यान में बैठा हुआ है, ध्यान की पोजिशन में बैठा हुआ है। इस स्तूप का वजन है 3500 किलोग्राम, 320 किलोग्राम सोने से बना हुआ है, जिसमें से जो 234 किलोग्राम भक्तों द्वारा दान किया हुआ है। और यह अवशेष कक्ष में से केवल भिक्षुओं की जाने की अनुमति है, लेकिन जो नॉर्मल स्थान है वहाँ पे आम पब्लिक भी जाके इस दांत को देख सकती है। को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको यहाँ का चाइनीज कल्चर देख के अच्छा लगा हो, इस ब्लॉग को देख के अच्छा लगा हो कि हिंदू धर्म की तरह ही बाकी सारे धर्म होते हैं, सिर्फ उनका रीति रिवाज थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका मनाने का तरीका अलग होता है और उनका समय जो रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, बाकी सिमिलर ही होता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि 100 के हिट कर सके ये चैनल। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। टिल दैट, बाय बाय एंड सी यू सून।